निकल दे राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आज सुबह आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मूल्यों के अंतर्गत लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, उसी बढ़ोतरी को देखते हुए आज कांग्रेस का रैली देखने को मिली है और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला है। शहीद स्मारक के ऊपर यह धरना प्रदर्शन किया गया है, तो वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह आचार्यवास और मुख्य सचेतक महेश जोशी वहां पर मौजूद रहे हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आज सुबह राजधानी जयपुर के अंदर परिवहन मंत्री और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार के महंगाई बढ़ाने और जन विरोधी नीतियों के विरोध में आज पीसीसी कार्यालय से शहीद स्मारक तक पद यात्रा की। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ाने से नीति से पूरा देश अब परेशान हो चुका है। नौजवान बेरोजगारी से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, तो आम आदमी का घरेलू बजट गड़बड़ा चुका है, महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, तो वहीं कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी सभी इससे परेशान नजर आ रहे। परिवार इसलिए इकट्ठा हुआ है कि पूरे देश में कहीं धरने कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे बीच में पेट्रोल डीजल गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ, केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, केंद्र सरकार जो किसानों पर जुल्म कर रही है उसके विरोध में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला है। हमारा एक ही संकल्प है, लड़ेंगे, मरेंगे, खून पसीना बहाएंगे, लेकिन मोदी सरकार का जुल्म स्वीकार नहीं करेंगे। संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प के लिए आज हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, हमारे विधायक रफीक खान साहब। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।